हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अनदर क्वेश्चन ऑफ गुडविल सो दैट द टॉपिक ऑफ गुडविल कैन बी यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड इन अ प्रॉपर वे. क्वेश्चन नंबर 18 में आपको जो क्वेश्चन बताया गया है, देर आर टू पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2. अ न्यू पार्टनर सी admitted A gives 1/5 of his share and B gives 2/5 of his share in favor of C. तो इस क्वेश्चन में आपका ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2. क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा ये. अब इस क्वेश्चन में आपका ओल्ड रेशियो जो है वो कितना बताया गया है, 2:, ये दिख नहीं रहा होगा आपको स्क्रीन पर. मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो रेशियो गिवन है क्वेश्चन में 3:2. अब 3:2 के इस रेशियो में जब हम गुडविल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, न्यू रेशियो. तो न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने कहा है कि ए गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड बी गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी. तो ए का जो शेयर है वो कितना है, वो है 1/3. ओल्ड रेशियो 3:5 था, तो ए का जो शेयर है वो कितना है, 3/5. तो 3/5 का 1/5 तो वो किसको दे रहा है, सी को. तो 1/5 ऑफ 3/5, 3/25 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो वो किसके फेवर में चला जाएगा, सी के फेवर में. अब इस ऐसे ही बी कितना शेयर दे रहा है, बी दे रहा है उसके शेयर का, यानी 2/5 है बी का शेयर, बी के शेयर का 2/5 ही वो किसको दे रहा है, सी को. तो यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4/5 उस किसके फेवर में जा रहा है, सी के फेवर में. तो जितना जितना वो लोग ए और बी सी को पे कर रहे हैं अपने शेयर में से, उतने उतने से उनका शेयर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. तो ए का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, ए का न्यू शेयर आएगा ओल्ड शेयर में से हम जितना भी वो सी के फेवर में पे दे रहा है 3/25 उसे माइनस कर देंगे. तो ए का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, 12/25. इसी तरीके से बी का भी न्यू शेयर फाइंड आउट करेंगे. बी का शेयर जो था वो कितना था, 2/5. उसमें से वो कितना सेक्रीफाइस कितना सरेंडर कर रहा है सी के फेवर में, 4/25 जो अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया. तो अब उसका शेयर कितना निकल के आएगा, 6/25. ये हो गया ए और बी का न्यू शेयर. अब सी का शेयर क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में सी का शेयर गिवन नहीं है. तो जितना शेयर वो ए और बी से रिसीव करेगा उनका सम टोटल ही सी का शेयर हो जाएगा. तो सी शेयर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 3/25 प्लस 4/25, दैट इज 7/25. ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर शो कर दिया. अब इस तरीके से हमने न्यू फर्म का न्यू रेशियो फाइंड आउट कर लिया. न्यू रेशियो क्या है हमारा, 12:6:7. 12/25, 6/25 और 7/25. अब आप फाइंड आउट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो सिर्फ ए और बी का ही फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर है, वो ही ए के फेवर में अपने शेयर को क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ओल्ड रेशियो आपका क्या था, 3/5, और न्यू रेशियो क्या है ए का, 12/5. ए के ओल्ड रेशियो में से ए का न्यू रेशियो हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे. तो सेक्रीफाइसिंग कितना आ जाएगा, 3/25. सेम एज यहाँ पर हम बी का भी सेम एज क्या कर लेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे. ए का ओल्ड रेशियो क्या था, ए का ओल्ड रेशियो था 2/5, जो यहाँ भी दिख नहीं रहा ये वाला. और इसमें से 6/25 उसका न्यू रेशियो है, उसे माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, फिर निकल के आएगा 4/25. तो न्यू सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 3:4, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर्स को इग्नोर करते हैं. अब हम गुडविल का ट्रीटमेंट 3:4 में करेंगे. गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए हमें क्या करना है, गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए आपको क्वेश्चन में गुडविल की पूरी फर्म की गुडविल गिवन है. देखिए, पूरी फर्म की गुडविल गिवन है 75,000, बट पूरी फर्म की गुडविल में हमें किसका शेयर चाहिए, न्यू पार्टनर का शेयर. तो न्यू पार्टनर का शेयर जो हमने न्यू रेशियो फाइंड आउट करके फाइंड किया था, वो अमाउंट वो शेयर कितना था, 7/25. तो 75,000 का 7/25 कितना हो जाएगा, 21,000. ठीक है, अब
21,000 is the part of C's share of goodwill which he will going to bring in cash, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है. सी अपने शेयर की गुडविल कैश में ब्रिंग करेगा और ये गुडविल किसके बीच में डिवाइड होगी, ये मैंने पूरा लिखा हुआ है. देखिए, सी शेयर ऑफ गुडविल डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दैट इज़ 3:4. जो अभी अभी हमने फाइंड आउट किया कितना था, वो 3:4 जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो था उसमें हम सी के शेयर की गुडविल जो कि कितनी है 21,000, इसे हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 3:4, यानी जो कौन सा रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जैसे ही हम सी के शेयर की गुडविल को डिवाइड करेंगे तो ये गुडविल किसको मिलेगी, ए और बी को. तो ए के शेयर की गुडविल कितनी हो जाएगी, 21,000 का 3/7, 3:4 में हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 3/7, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 9,000. तो ये आ गया आपका 9,000. अब ऐसे ही हम बी के भी शेयर को फाइंड आउट कर लेंगे. बी शेयर ऑफ गुडविल 21,000 का 4/7, दैट इज़ 12,000. और जैसे ही हमें गुडविल का अमाउंट पता चलेगा कि ए और बी को कितना मिलेगा, तो हम जनरल एंट्री बनाएंगे. या मैंने एंट्री को फॉर्मेट में नहीं किया, लेकिन आप लोग जब भी एंट्री करेंगे जनरल के प्रॉपर फॉर्मेट में ही करेंगे. एंट्री क्या बनेगी, पहले तो गुडविल ब्रिंग करने की एंट्री. तो कितनी गुडविल लेकर आ रहा है सी, 21,000. सिर्फ अपने शेयर की गुडविल लाता है, पूरी फर्म की गुडविल नहीं लाता, ये ध्यान रखिएगा. कोई भी न्यू पार्टनर जब भी एडमिट होगा, ही विल ब्रिंग ओनली हिज शेयर ऑफ गुडविल, नॉट फॉर द होल फर्म्स गुडविल. वो फर्म की गुडविल का हम वैल्यूएशन कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम फाइंड आउट किसकी शेयर की गुडविल करते हैं, न्यू पार्टनर के शेयर की गुडविल. अब यहाँ पर जैसे ही वो 21,000 फर्म को कैश में गुडविल पे करेगा, एंट्री क्या बनेगी, बैंक और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 21,000. इसके बाद इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यानी ए और बी दोनों के बीच में. दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. ये भी ध्यान रखना, अगर कोई एक सेक्रीफाइस करेगा तो सिर्फ एक को ही मिलेगी. यानी हमें सिर्फ वर्ड पर फोकस करना है, दैट इज़ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. सेक्रीफाइसिंग जो भी पार्टनर होगा उसी को गुडविल मिलेगी, चाहे वो एक पार्टनर हो, दो हों या सारे हों, या फिर जैसा भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे. अब देखिए, नेक्स्ट एंट्री में हमने क्या दिखाया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट. दीज 21,000 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. इस तरीके से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये किस टाइम का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, ये उस टाइम का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है जब एक न्यू पार्टनर फॉर्म में एंटर करता है और अपने शेयर की गुडविल को फर्म को कैश में पे करता है. ठीक है, अगर कोई पार्टनर फर्म में एंटर करने के बाद गुडविल कैश में पे ना करे, यानी ही इज़ नॉट एबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, ऐसे भी आगे क्वेश्चन आएंगे. तो ऐसी कंडीशन में आपको गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.